जो नारायण विहार मोड़ पे आग लगी है वो कैसे लगी? हमें तो कंट्रोल से 2:50 पे सूचना मिली थी कि नारायण विहार में आग लग रही है। तुरंत पहुंचे, जिस पर हम तत्काल 4-5 में यहाँ पहुंचे। दो चार अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर खड़े थे और हाँ, वो लड़सा कर रहे थे। मैं और मेरे साथ में मेरा सिपाही हरिओम, तुरंत उन लोगों को दूर किया। फिर आसपास उनसे पूछा कि भाई कोई अंदर तो नहीं है, कोई मजदूर वगैरह तो नहीं है। तो पता लगा कि एक मजदूर अंदर सो रहा था जो दिख नहीं रहा है, तो उसको तुरंत बाहर करके इधर उधर देखा तो वो पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने कहा तू अंदर फिर क्या नाम है तेरा? तो उसने अपना नाम मुकेश बताया और बोला मैं अंदर था जो पीछे रास्ते से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में परिजन वगैरह आ गए, भीड़ भाड़ काफ़ी हो गई। परिजन भावुक होकर के और मशीनों वगैरह के कारण पूछने लगे, जहाँ हमारी हैंगिंग मशीन है अंदर और ये है वो है, तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, क्या ये किया? तो हमने कहा भाई फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप दूर रहो। सभी वो बड़ी मुश्किल से पब्लिक को और परिजनों को मजदूरों को सबको दूर किया, काफ़ी मशक्कत के बाद उनको दूर करके रोके रखा। हमारे थाने पे भी सूचना पहुंच गई थी, थाने से भी मोबाइल और हमारी सिग्मा जो मोटरसाइकिल पर चलती है वो भी मौके पे आ गई। जाप का पूरा बजाने पर फिर उतना कोई दिक्कत नहीं आई। हमने उसको आग इतने में फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ भी आ गई, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ आ गई, उन्होंने अपने काम करना शुरू कर दिया। 3 गाड़ियाँ आई थी, एक गाड़ी पहले आई, उसने अपना काम शुरू किया, फिर 2 गाड़ियाँ और आ गई, सभी ने अपना काम शुरू कर दिया था। फैक्ट्री के किसी सोनू कुमार जी के नाम से है और अभी 2-3 महीने पहले शिफ्ट हुई बताई है। आग में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। परिजनों को और आम पब्लिक को बड़ी मुश्किल से काबू में करके दूर कर किया। अब आग शांत हुई है, जिसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को दे दी। Thank you.